आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। जी हाँ दोस्तों, यह है पौष्टिक गुणों का खजाना और बहुत ही सुपाच्य, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन करके रेडी होता है बहुत ही कम मसालों में। तो चलिए दोस्तों, एंड तक बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं बनाता हूँ लौकी और छिलके वाली मूंग की दाल की स्पेशल दल कद्दू। हेलो माय डियर फूड लवर्स, स्वागत है मेरे चैनल मील विद माधव पे। दल कद्दू बनाने के लिए मैं लौकी ले रहा हूँ, जो कि 300 ग्राम है, जिसे मैंने छिलके अच्छे से धो लिया है, और ये मूंग की दाल है छिलके वाली 50 ग्राम, जिसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लौकी को इस तरह पतला पतला बारीक कट कर लेंगे दोस्तों। दल कद्दू बनाना बहुत ही आसान है, और अगर मूंग दाल वो भी छिलके वाली के साथ बनाया जाए तो ये बहुत ही सेहत से भरपूर है। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में काटे हुए सारे लौकियों को डाल लूंगा। अब मैं इसमें छिलके वाली मूंग की दाल डाल रहा हूँ, और चलिए मसाले में मैं डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। दोस्तों अब इसमें मैं डालूंगा ये एक टमाटर है मीडियम साइज का, जिसे मैंने इस तरह रफली कट कर लिया है, और इसमें 1/2 लीटर के आसपास पानी डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। दोस्तों अब 2 मैं लौंग डाल रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, और 1 तेज पत्ता, और इन सभी मिश्रणों को अच्छे से मिक्स कर लूंगा और प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा करके इसे 4 से 5 सीटी लगा लूंगा। अगर आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए प्रेशर कुकर, मैंने अच्छे से सारे गैस को निकाल लिया है, और ये देखिए दाल हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं ले रहा हूँ दोस्तों एक दाल घोटनी, और इस तरह मैं दाल को अच्छे से घोट लूंगा। देखिए दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले, इससे लौकी और दाल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा इसका टेक्सचर हुआ है, और दाल और लौकी एक दूसरे से मिल गया है। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊंगा, और इसमें मस्टर्ड ऑयल में डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून, और जब ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगा जीरा 1 टीस्पून, और 1 पिंच मैं इसमें हींग डालूंगा। अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्च 1, जिसे मैं तोड़ करके इस तरह से डाल रहा हूँ, और जब ये चटक जाए अच्छे से तो जो मैंने दाल घोट के रखा था वो दाल कढ़ाई में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहे तो ये रेसिपी चने की दाल के साथ बनाए, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, या फिर आप इसे मिक्स दाल के साथ भी बना सकते हैं, चाहे नवरत्न दाल के साथ बनाए तो वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप एक बारीक कटे हुए प्याज को दाल के डालने से पहले हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें, और उसके बाद दाल को पलटकर इसमें मिक्स करें। अब मैं 1/2 कप पानी कुकर में डालकर इसी दाल में मिक्स कर लेता हूँ, ताकि दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए। जब दाल में थोड़ा सा उबाल आ जाए तो एक करछी गरम कर लेंगे, और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, और आंच को हल्का कर लेंगे, और थोड़े कसूरी मेथी पत्ता डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, दोस्तों इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और जब आप लाल मिर्च का पाउडर डालें कश्मीरी तो ये आँच को आप हल्का करके बंद ही कर ले, इससे मिर्ची हमारा जलेगा भी नहीं, और जब इसका तड़का हम लगाएंगे ऊपर से तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा दाल में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें देसी घी की खुशबू है, कसूरी मेथी पत्ता का फ्लेवर, और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर तो बहुत ही अच्छा आता है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा रोगन आया है घी और कश्मीरी लाल मिर्च वाले तड़के को डालने के बाद।
तो देखा ना दोस्तों, दल कद्दू बनाना कितना आसान है। तो आप कब बना रहे हैं? क्योंकि ये सेहत से भरपूर है और इसमें फाइबर्स, प्रोटीन, हर चीज बहुत अच्छे से मिला हुआ है, तो आप इसे जरूर बनाएं। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए, मैं दाल को इसमें सर्व कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे रोटी, पराठे या फिर आप गर्मा गर्म पूरियों के भी साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, दल कद्दू कितना देखने में टेस्टी लग रहा है और ये सच में बहुत अच्छा बना है। तो आप इसे जरूर बनाएं, बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत ही पसंद से इसे खाएंगे। फिलहाल मैं तो इसे आज रोटी के साथ खाऊंगा। और साथ में मैंने लिया है आलू का भुजिया, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला है। आप चाहे तो आई बटन पे जाके इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म दल कद्दू बन करके तैयार है। तो चलिए इसके हम करते हैं टेस्ट। तो आप भी बनाएं और इसे जरूर खाएं। तो मिलता हूँ किसी और रेसिपी में मेरे चैनल मील विद माधव पे। तब तक के लिए बाय बाय।